5.6% बना है। लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल निज़ामुद्दीनपुरा ब्रांच। कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा होगा। कितना एडमिशन कब हुआ था किस क्लास में? क्लास 9th में हुआ था 2019 में। उसके बाद ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती थी? नहीं, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने स्कूल की मदद से और खुद की पढ़ाई से ही है। सबसे अच्छा मार्क्स किस सब्जेक्ट में गेन किया है? पॉलिटिकल साइंस में 99 मार्क्स। पेपर को लेकर क्या विशेष तैयारियाँ कराई गई स्कूल द्वारा? स्कूल द्वारा यही तैयारियाँ कराई गई कि शुरुआत से जब से सेशन स्टार्ट हुआ तभी से हम लोग को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कराई गई ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ, और साथ ही साथ ये भी कोशिश की गई कि जो चैप्टर्स एनसीईआरटी ने दिए हमें उससे हमें कुछ सीखने को भी मिले, एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी हमें मिले। आगे तैयारी है कि अभी तो यूनिवर्सिटी का उतना ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन। मेरा नाम पीयूष भारद्वाज है और मैंने 94.8% हासिल किया है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यह परसेंट पाने पर, और इस परसेंट को पाने में मेरे स्कूल लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल निज़ामुद्दीनपुरा मऊ ने बहुत ही सहायक रहा है। मैं इस स्कूल में आई थिंक मैं नर्सरी से पढ़ रहा हूँ और नर्सरी से मुझे यहाँ पर बहुत प्यार, शिक्षा और सब कुछ यहाँ पर मिला है जिससे मैं ये मुकाम हासिल कर पाया हूँ। और यहाँ पर जैसे हमेशा से ही एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती आई है, और हम पी विषय में आपने अच्छा विषय अच्छा नंबर? मेरा सबसे अच्छा इंग्लिश में आया है जो कि फुल 100 में 100 है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि 100 में 100 लाख के मैं बनवाल सर का भी नाम बहुत ऊँचा हुआ है इस बात से। श्रेय किसे देंगे आप? श्रेय मैं बनवाल सर को ही देना चाहूँगा अपने 100 में। क्लास 8 में गंगा मैम हुआ करती थी, उनको भी मैं श्रेय देना चाहूँगा। आगे क्या तैयारी है? आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे तो मैंने अभी नीट दिया था और सीयूटी का भी मैंने भरा हुआ है, उसका भी एग्जाम अभी 21 से 31 तारीख तक चलने वाला है। क्या नाम है आपका? और मैं लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल से कटिया ब्रांच की टॉपर हूँ। मेरा 93.4% आया है, एंड जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का रहा है, जो मेरे डोमेन सब्जेक्ट के टीचर्स हैं अनिल सर, आकांक्षा मैम एंड नितेश सर, एंड हिंदी इंग्लिश के जो टीचर्स हैं रविंद्र सर एंड त्रिपाठी सर, इनका ही मेन कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी सक्सेस में। एंड मैं अपनी मतलब जो कंट्रीब्यूशन है मैं उनको अपने पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी, मतलब ऑलवेज दे हैव बीन देयर फॉर जो मुझे चाहिए, उन्होंने मुझे हमेशा टाइम पर प्रोवाइड किया है, तो उनको भी बहुत बड़ा थैंक यू। क्या तैयारी आगे? आगे मुझे एमयू मेरा गोल है, एमयू जाना भी काम करना बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। कहते हैं टॉप करने के लिए 17 से 18 घंटा पढ़ना चाहिए, तो क्या सही बात है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। 17-18 घंटा आप 8 घंटा ही पढ़ें, बट वॉट यू आर स्टडिंग अपना पूरा दो। 17-18 घंटा पढ़ना इज नॉट दैट मैंडेटरी। क्या नाम है, किस क्लास में है? चिते बाबू, मेरा नाम वेदिका द्विवेदी है, मैं नर्सरी से पढ़ती हूँ और मेरा 96.4% आया है। क्लास 10। क्लास 10। कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा है? मैथ्स एंड साइंस। मैथ एंड साइंस, किस में आपको सबसे ज़्यादा नंबर आया? मैथ साइंस लगभग सभी ठीक है। नहीं, नंबर सबसे ज़्यादा किस में आया? सबसे ज़्यादा साइंस में। साइंस में क्या तैयारियाँ रही आपकी, किस तरीके से? बहुत अच्छे से। स्कूल वालों ने इस बार अलग से क्लासेस चलाई हैं अचीवर बैच की, और इस बार टीचर्स ने बहुत मेहनत की है उनके साथ, इस वजह से। थैंक यू। क्या नाम है? महवज फातिमा है और मैं वेबसाइट से कटिया ब्रांच से पढ़ी हूँ। मैंने 10th बोर्ड में 96.4% स्कोर किया है। थैंक यू, इनका ले लीजिए भाई। मेरा नाम कैस्पियन आर्यन है। क्या नाम है आपका? कैस्पियन आर्यन, मेरा परसेंटेज है 95.4%। कौन से क्लास में? क्लास 10। 10th में। कौन सा विषय आपका सबसे अच्छा रहा? मेरा सबसे अच्छा विषय मैथ रहा, 99। क्या करने की तैयारी है? नीट क्वालिफाई करने। किसको श्रेय जा रहा है आपको? स्कूल को और पेरेंट्स को। कोचिंग को? नहीं, कोचिंग मैंने की, क्योंकि मतलब यहाँ कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती स्कूल में। आप कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे तो कोचिंग नहीं। सिलेबस कंप्लीट होता है या नहीं यहाँ पर? आराम से आज